बारा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों में आज भी बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। प्रयागराज बारा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव में आज भी ना तो बिजली है और ना ही सोलर लाइट है। शाम होते ही गांव में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। लालापुर पहाड़ी वन क्षेत्र से सटे दलित बस्ती तरैया के लोगों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया और बस्ती में जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था बनाए जाने की सरकार से मांग भी की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। लालापुर के तरैया गांव में बताइए क्या समस्या है? यही समस्या है कि यहाँ लाइट जरूरी है, लाइट बिना बहुत परेशानी होती है। कई साल से समस्या है लाइट की, 5-6 साल हो गया। अच्छा, कि एप्लीकेशन दी है किसी अधिकारी को? अभी तो बहुत जन से कहा, प्रधान से भी कहा, लोगों से भी कहा, यहाँ के लोगों से मैंने कहा, लेकिन यहाँ वाले बिजली विभाग से मिले? बिजली विभाग के किसी अधिकारी? तो वो आदमी कह रहे हैं कि बिना कनेक्शन लिए लाइट नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ कनेक्शन हम लोग ले रहे हैं। कनेक्शन नहीं ले रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन लगा नहीं रहे हैं। ये आप ही लोगों का घर है? हाँ, ये हमारा आप लोगों का घर है। ये छोटे छोटे बच्चे ये सब अंधेरे में रह रहे हैं। हाँ। आप बताइए लाइट की क्या समस्या है? लाइट की समस्या यही है साहब, यहाँ पे बिन लाइट बिजली से आज 5-6 साल से ज्यादा हो गया, ऐसे अंधेरे में रह रहे हैं, किरवा बीछी निकल रहा है, हाँ गदेलन की दिक्कत हो रहा है। बच्ची किस क्लास में पढ़ रही हो? बच्ची किस क्लास में हो बताओ? एक में लाइट आ रही है? नहीं, नहीं आ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अभी बता। अभी अभी तरैया गांव में आई हूँ, बताइए क्या समस्या है? लाइट की समस्या है, लाइट लगवा दी। कई साल से समस्या है? 5-6 साल हो गए, और कई साल हो गए लाइट वाइट नहीं आया है। लाइट बिजली परेशानी है, गदेलन के सब की।